म क्या होती है सक्सेस क्या होती है लाइफ में गोल्स क्या है मुझे कुछ नहीं पता बहुत ट्राई किया बहुत कुछ मेहनत की लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलता थी अब सिचुएशन यहाँ ऐसी थी कि या तो मैं दस रुपये से अपने भूख को शांत कर लूँ दस रुपये से खा लूँ या फिर दस रुपये से टिकट कटा के अपने घर चले जाऊँ तब मुझे पछतावा होने लगा कि यार कुछ दोस्तों के चक्कर में मैंने अपने करियर को खराब कर दिया जिंदगी में जब सबने यही कह दिया है कि ये कुछ नहीं कर सकता तो अब मुझे कुछ करके दिखाना है फिर एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि जिसने मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं

उसके अंदर एक अच्छी स्किल ना हो अच्छे क्वालिफिकेशन ना हो या फिर उसके पास पैसे ना हो तो ऐसा ही कुछ मैंने भी सामना किया कि क्योंकि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता था तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने एक छोटे से शहर से निकल कर एक बड़े शहर में अपने नाम और पहचान बनाई और कैसे सिर्फ मात्र एक साल के अंदर ही मैंने एक छोटी सी कंपनी खोल कर लाख से ऊपर का टर्नओवर पार कर दिया सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शिवम सिंह और आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा ज़ीरो से हीरो तक की सो so, बेसिकली uh, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी के एक छोटे से जगह जिसका नाम है गोरखपुर मैं मेरी सारी पढ़ाई है पूरे बचपन से ही मैं वहीं रहा उसके पास एक छोटा सा और जगह है जिसका नाम है देवरिया सो so, मेरी बचपन से ही पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई मेरी माँ एक टीचर थी सो so, बचपन से ही वो मुझे गाइड करती थी uh, ये सिलसिला चलते रहा और मैं काफ़ी अच्छे स्टेज पर जा रहा था क्योंकि मेरी माँ हमेशा देखती थी मुझे पढ़ाती थी लेकिन Uh, जब बोलते हैं ना कि जब आप मेच्योर uh, होते हो और आप जब टीन ग्रुप में आते हो so आपको वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ लगने लगती हैं आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो सिर्फ वही सही है और जो दूसरा बता रहा है वो आपके लिए गलत है कहीं ना कहीं आप खुद को ही टीचर भी मानते हो और खुद को ही स्टूडेंट भी मानने लगते हो सो so, ऐसी ही गलतियाँ मैंने भी कुछ की और इसका बहुत बड़ा मैंने हर जाना भरा सो so, मैं यही बस बताना चाहता हूँ कि आ, कैसे वो गलतियाँ आप ना करें और अपने समय को बचा लें क्योंकि जब समय निकल जाता है ना तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता so, मैंने अपने पेरेंट्स की सजेशन ना लेके सिर्फ अपने दोस्तों की सुनी और मेरे दोस्त कहते थे कि इस स्कूल में जाओ उस स्कूल में जाओ सो so, मैंने भी अपने पेरेंट्स से जीत करके दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया सो अब वहाँ से सिचुएशन ये स्टार्ट होती है कि अब मेरे माहौल बदलने लगे थे अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ में बाकी दुनिया का भी आ, मुझे दु, बाकी दुनिया भी दिखने लगी थी अब बाकी दुनिया में मेरे दोस्त कहते थे कि यार देखो पढ़ाई तो जिंदगी भर की बात है लेकिन अभी ये मौका बाद हाथ में नहीं आएगा अभी इंजॉय करते हैं क्योंकि जॉब किसको करना है नौकरी किसको करनी है सो इसी हिसाब से इसी सोच के साथ मेरे भी इंटरेस्ट पढ़ाई में कम होती गई और मैं सिर्फ घूमने लगा फिरने लगा रात रात भर दोस्तों के साथ आउटिंग करना कोई बोलता था कि फाइटिंग करो लड़ाई करो गैंग बनाओ उसमें बहुत फेम है एक सुपीरियर दिखोगे पढ़ाई में क्या रखा है जॉब में क्या रखा है अभी तो लाइफ में बहुत सारे टाइम है सो so, इसी सोच के साथ मैं भी पढ़ाई में कम होते गया और ये सब में आगे बढ़ते गया अब मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे थे एक ऐसा समय भी आया जब मुझे लगा कि मैं अब पास भी नहीं हो पाऊंगा करते करते हालात ऐसे बन गए कि मैं ट्वेल्थ बहुत मुश्किल से पास हुआ मुश्किल से पास होने के साथ में मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा उन्हें लगा कि मेरा लड़का कहीं ना कहीं खो रहा है और ये किसी गलत संगत में पड़ गया आप कुछ नहीं कर सकते थे साथ में उसके साथ ही करते करते मैंने ट्वेल्थ पास कर लिया लाइफ में अब दूसरा पड़ाव मेरे तब आया जब बच्चे खोजते हैं नौकरी की बात कि अब इसके बाद क्या स्ट्रीम लें या क्या नौकरी करें वेन यू नो यू आर जीरो देन विच फील्ड यू विल चूज सो मेरा मैं तो किसी में अच्छा ही नहीं था मेरे पास साथ ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि मुझे सोचना पड़ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि मेरे दोस्त तो निकल गए मेरी लाइफ तो खराब हो चुकी थी अब मेरे पास कोई चारा नहीं था लेकिन अब बोर्ड एग्जाम देने के बाद से मैं घर पर बैठा कुछ दिन मेरी संगत से मैं थोड़ा दूर हुआ तब मुझे पछतावा होने लगा कि यार कुछ दोस्तों के चक्कर में मैंने अपने करियर को ख़राब कर दिया करियर खराब होने के बाद से अब मैं क्या कर सकता था मेरे पास ऑप्शन नहीं थे सो so, एक दिन मैंने देखा कि एक पेपर में छोटा सा आर्टिकल है जिसमें लिखा था लर्न एनिमेशन एंड अर्न लाइक थर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड रुपीज छोटे से में सो so, मैंने सोचा कि ये क्या है मैंने उसे भी ध्यान नहीं दिया सोचा कि यार कौन करेगा क्या करेगा बट मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार बेटा तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम एक बहुत अच्छे लड़के थे बहुत अच्छे तुम पढ़ाई में थे लेकिन तुम बर्बाद हो गए अपने दोस्त के संगति में सो so, तुम शायद लेकिन मैंने नोटिस किया है तुम बचपन से काफ़ी क्रिएटिव थे सो so, तुम इस चीज़ को देखो और समझो कि शायद ये तुम्हारे काम आ जाए तो मैंने सोचा कि यार क्या करेंगे तो मैंने सोचा ठीक है कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में टाइम पास के लिए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं मेरा फोकस तभी भी नहीं था मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए ही एनिमेशन ज्वाइन किया था और मैंने उसे जाके ज्वाइन किया ज्वाइन करने के लिए हम लोग देवरिया से 50 किलोमीटर दूर मेरी मम्मी मेरे साथ आईं अकेले बस में हम लोग वहाँ गए उन्होंने बताया कि एनिमेशन ये होता है आप अब कुछ भी बना सकते हो एनिमेशन के बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं एनिमेशन एक फील्ड है जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं फिल्मों के बारे में डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कुछ तो उस हिसाब से हम लोग मैंने एडमिशन करा लिया फीस उसकी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा ये आखिरी उम्मीद है तुम्हारे लिए हम ये भी करेंगे बहुत ही सेक्रीफाइस बिकॉज हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सो so, काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए वो भी लेकिन मैंने उस टाइम भी अपने पेरेंट्स की सेक्रीफाइस नहीं देखी मैंने उसमें एडमिशन ले लिया मेरे अंदर कोई फोकस कोई एम कोई भी ऐसा नहीं था जिसे करियर फोकस करियर ओरिएंटेड एम क्या होती है सक्सेस क्या होती है लाइफ में गोल्स क्या है मुझे कुछ नहीं पता था मैं सिर्फ जिंदगी को काट रहा था एडमिशन हो गया पढ़ाई चल रही थी फिर एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि जिसने मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं बात ये थी कि अब मुझे एक दिन मेरे पॉकेट में सब सिर्फ दस रुपये बचे थे और अचानक से मुझे चोट लग गई चोट लगने के बाद से वो पेन इतना था कि मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था धूप की बात धूप उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप थी और सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब कि अब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी अब भूख लगी थी तो मैं चाहता था कि कुछ खा लूँ तो जब मैंने अपने पॉकेट देखा तो मेरे पॉकेट में सिर्फ दस रुपये बचे थे अब सिचुएशन यहाँ ऐसी थी कि या तो मैं दस रुपये से अपने भूख को शांत कर लूँ दस रुपये से खा लूँ या फिर दस रुपये से टिकट कटा के अपने घर चले जाऊँ सो so, मुझे उस टाइम वैल्यू समझ में आई कि मैं ये कर क्या रहा था आज मेरे पॉकेट में दस रुपये भी नहीं हैं और आज मैं ना खा सकता हूँ ना जा सकता हूँ वाली स्थिति है तब मुझे लगा कि शायद लाइफ में मैं सिर्फ टाइम ही कटा रहा था मैंने तो कभी लाइफ का सोचा ही नहीं कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी मम्मी कितनी मुश्किलों के साथ मुझे ये पैसे दे रही हैं मैं तो सिर्फ अपने ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा था मैंने सिर्फ कभी सोचा ही नहीं कि यार इस पैसे को कैसे अर्न किया जाता है मैं तो तो उस दिन मुझे वो ठोकर लगी और मुझे लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में जब सबने यही कह दिया है कि ये कुछ नहीं कर सकता तो अब मुझे कुछ करके दिखाना है मेरे फ़ोटोज़ को अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत ही कमज़ोर था मेरे पास एनर्जी नहीं थी मैं बहुत ही कमज़ोर था लेकिन मेरे मन में सिर्फ डेडिकेशन था कि अब तो मैं कुछ करूँगा पैसे हों या ना हो लेकिन मैं पैसे बना के ही घर आऊँगा सो तो इस डेडिकेशन के साथ में मैंने वहाँ पर जॉब सर्च करना शुरू कर दी पढ़ाई के साथ में पढ़ाई के साथ में जॉब इस उम्मीद से सर्च की क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको जॉब मिलेगी तो मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई में अच्छा भी होता गया तो अब मुझे जॉब मिलनी ही मिलनी है सो दूसरा झटका तब लगा जब मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया अब एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो आठ साल पहले बहुत लोगों को नहीं पता थी और उसके स्कोप्स भी छोटे शहर गाँव में नहीं थे सो मैंने बहुत कोशिश की बहुत ट्राई किया बहुत कुछ मेहनत की लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहे थे एक जगह गया मैं किसी काम से तो उन्होंने मैंने उनसे अपनी तकलीफ़ बताई कि मैं जॉब खोज रहा हूँ मुझे कुछ नॉलेज नहीं है लेकिन मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग आती है तो उस आदमी ने कहा चलो एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम इंडिया एडवर्टाइज़र है वाली नगर में है गोरखपुर में सो उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ शायद तुम्हें जॉब मिल जाए गारंटी नहीं है बट शायद मिल जाए सो मैंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं रात हो चुकी थी एनिमेशन मैं इस कॉलेज से पढ़ाई करके अपने इंस्टीट्यूट से वापस जा रहा था सो वहाँ गया मैंने उनसे कहा कि क्या कोई जॉब है क्या उन्होंने कहा जॉब तो नहीं है लेकिन तुम दे सकते हो ट्रायल दे सकते हो तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई किया तो उन्हें शायद मेरे डिज़ाइन या कही मेरी किस्मत वहाँ से शुरू होने लिखी थी कहें वहाँ उन्होंने मेरा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया फिर बात आती है पेमेंट की और जिस दुनिया में मैं था जिस ख्याल में मैं था जिस ख्याल में मुझे रखा गया था कि आपकी सैलरी पैंतीस हज़ार चालीस हज़ार से स्टार्ट होती है मैं सीधे आसमान से ज़मीन पे आ गया था क्योंकि वहाँ पे जब मैंने उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सैलरी कितने लोगे तो मैंने मैं सोचा कि उन्हें कैसे बता दो कि मैं फ्रेशर हूँ मुझे पैसे की ज़रूरत है मैंने अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे पंद्रह हज़ार मिलते थे आप भी उतना दे देंगे तो ठीक है लेकिन उस आदमी को पता था कि मैं फ्रेशर हूँ मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और शायद मैं पहली बार ही आया हूँ मेरे डिज़ाइंस को देख के तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना नहीं दे सकते हाँ कहोगे तो हम लोग चार तक दे सकते हैं तो फिर या तो सिचुएशन मेरे पास ऐसी थी कि या तो मैं अपनी ईगो और इमेज बचाने के लिए उनसे बोल दूँ कि नहीं मैं चार हज़ार में नहीं कर सकता मैं पाँच बारह हज़ार लेता था तो मैं चार हज़ार में कैसे करूँ या फिर मैं अपनी मजबूरी को समझते हुए अपनी ईगो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के सिर्फ उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता सो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में हूँ मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ तो पहले मेरी मम्मी ने कहा कि यार क्या बेटा इसकी क्या ज़रूरत है तुम अभी मेहनत करो तुम पढ़ाई करो पैसे की क्या ज़रूरत है तुम्हें क्या कमी है तो मैंने उस टाइम बताया कि नहीं मम्मी मैंने सब कुछ देख लिया मैं समझ गया हूँ कि लाइफ में मैंने क्या खोया मैंने क्या नहीं किया मैंने समय को कैसे बर्बाद किया और जिस तरह से लोगों ने कहा था ना मुझे कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता मुझे सिर्फ उन्हें ही दिखाना है मेरे लाइफ में कोई टारगेट नहीं है मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं करना है सिर्फ अपने करियर में कुछ आगे बढ़ना है तो मैंने उनसे कहा अपने जो वहाँ के बॉस थे कि सर एक काम करते हैं आपको मैं क्लाइंट ला दूंगा मैं कस्टमर ला दूंगा बट आप एक काम करो सिर्फ आप प्रिंटिंग के पैसे ले लो डिज़ाइनिंग के मुझे ले लेने दो तो उन्होंने कहा ये छोटा शहर है यहाँ कोई डिज़ाइन चार्ज नहीं होता यहाँ कोई डिज़ाइन देता भी नहीं है सो so, तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें कुछ पैसा नहीं मिलेंगे मैंने कहा सर ठीक है रिस्क है लाइफ तो रिस्क ही है मैं ट्राई करता हूँ आप प्रिंटिंग का पूरा पैसा मुझसे लेना आप, आप कहीं भी रहा हो और लेकिन जो डिज़ाइन का मैं लूँगा पचास रुपए लूँ सौ रुपये लूँ ना लूँ लेकिन वो मेरा होगा उसने कहा ठीक है रिस्क है तुम तो तीन हज़ार भी खोदोगे लाइफ में मैंने कहा ठीक है सर ट्राई करते हैं क्योंकि वैसे भी तीन हज़ार बचने तो थे नहीं सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अब सीज़न था उस टाइम पर दशहरा का अब लोग आते थे वहाँ प्रिंटिंग के लिए तो मैं उनसे बोल देता था कि भाई देखो अब इस प्रिंटिंग का डिज़ाइन चार्ज है सौ रुपये तो लोग बोले कि नहीं ये गोरखपुर में सौ रुपये कौन देता है तीन सौ को तो प्रिंट है ये है वो है मैंने कहा नहीं अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो सौ रुपये देने होंगे उन्होंने देखा कि हाँ ये एक डिज़ाइनर है इसके कुछ डिज़ाइन्स में कुछ कलाकारी है कुछ अच्छा है उन्होंने कहा ठीक है सौ रुपये देने में क्या जाता है सो उस टाइम पे सिर्फ मैं ही एक इंसान था जो उस छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में मैंने सौ रुपये का डिज़ाइन चार्ज का नियम स्टार्ट कर दिया अब करते 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 लोग आने लगे उन्हें मेरे डिज़ाइन पसंद आने लगे और मुझे अर्निंग अच्छी होने लगी सो so, अच्छी अर्निंग के साथ साथ मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो अलग हो रहा है क्योंकि अब मेरे पास पैसे बचने चालू हो गए थे पूरे मंथ में मैंने एक महीने में पंद्रह हज़ार से ज़्यादा की अर्निंग कर ली थी सो so, मुझे लगा यार जो लड़का तीन हज़ार में नहीं कमा पा रहा है वो पंद्रह हज़ार तक की अर्निंग कर रहा है सो so, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ मुझे लगा कि शायद मैंने जो प्लान किया जो ट्रिक लगाया और जिस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई वो कहीं ना कहीं काम कर रही है मुझे लगा कि शायद मुझे जितना सीखना था मैं गोरखपुर में सीख चुका हूँ मुझे और सीखना है सो so, मैं अपनी अप करने के लिए अपनी वैल्यू जानने के लिए मैंने सोचा कि मैं अब किसी बड़े शहर की तरफ जाता हूँ सो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे दिल्ली में मुंबई में बेंगलोर में पुणे में सो मैंने सोचा कि चलो एक बार बैंगलोर देखते हैं क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था बैंगलोर जाने का लेकिन वहाँ पे मुझे जॉब्स मिल रही थी सिर्फ चौदह हज़ार रुपये की सो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि यार इतने बड़े शहर में चौदह हज़ार रुपये अर्निंग और मैं एक छोटे से गोरखपुर में सत्रह हज़ार बीस हज़ार कमा रहा हूँ सो ऐसा कैसे हो सकता है तो मैंने मम्मी से फिर फ़ोन करके पूछा कि मम्मी शायद मेरा आना गलत हो गया क्योंकि इतने बड़े शहर में सिर्फ चौदह की अर्निंग क्या फ़ायदा इससे तो अच्छा मैं गाँव पर ही रहता या मैं गोरखपुर में ही था तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो पहले तुम जाके अपनी वैल्यू समझो कि वो चौदह हज़ार तुम्हें दे रहे हैं या तुम्हारी वैल्यू हुई उतनी है या क्या है तो so, मैंने कहा ठीक है सो so, मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी शायद मैं तुम्हें कुछ ना दे पाऊँ क्योंकि ये शेयर बहुत महंगा है चौदह हज़ार में शायद मुझे भी कुछ ना बचे लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है अपनी पहचान बनानी है या खुद अपनी वैल्यू समझनी है तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा मैंने रिस्क लिया वापस से मैंने सत्रह हज़ार की इनकम छोड़ के मैंने चौदह की नौकरी ज्वाइन कर ली मैं वहाँ काम किया करते करते काफ़ी कुछ सीखा काफ़ी कुछ मैंने गेन किया वहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे नॉलेज मिला जो आज तक मैंने कभी शायद कभी नहीं सीख पाता उस गोरखपुर में रह के अचानक से आपका समझ लीजिए कि ये मुझे अचानक से चिकन पॉक्स हो गया इसके हिसाब से अब मैं अकेले रहता था बेंगलोर में कोई नहीं रहता था तो मैं वापस घर को आ गया अपने इलाज के लिए इसी बीच में कोरोना स्टार्ट हो गया और कोरोना में जैसे आप सबको पता होगा कि कोरोना में सबकी की नौकरियाँ चली गई सबके उम्मीद चले गए और मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अब मैं सोचा कि उस जॉब को छोड़ो अब मैं कुछ नया जॉब खोजता हूँ तो मैंने अपने मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन डाउन डाउनलोड कर लिए डाउनलोड करने के बाद हर एप्लीकेशन पर अपनी सी डालता था पोर्टफोलियो डालता था रिज्यूम डालता था कॉल करता था कोई रिस्पॉन्स नहीं था बिकॉज कोई किसी को भी कोरोना में जॉब नहीं चाहिए थी कोई जॉब देता भी नहीं था सारे एप्लीकेशंस को मैंने डिलीट कर दिया मैंने सोचा और मैं एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था उस टाइम पर उसका नाम था अपना मैंने उस अपना एप्लीकेशन को भी डिलीट करने वाला था लेकिन सोचा कि चलो एक बार देखते हैं ये क्या है सो so, संजोग ऐसा है कि मैंने उस एप्लीकेशन को ऑन किया और मैंने देखा कि वहाँ पे लोग हायर भी करते हैं नौकरी भी देते हैं साथ में अपनी स्किल्स को दिखाते भी हैं मैंने उस एप्लीकेशन को सोचा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो कुछ अलग ही टाइप का है तो मैंने कहा ठीक है मैंने वहाँ अप्लाई भी किया और उसके साथ में मैं अपने जो मैंने डिज़ाइंस अपने पास रखे थे वहाँ पर अपलोड कर दिए और शाम तक तो में मैंने देखा कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है आप कैसे डिज़ाइन करते हैं कहाँ से डिज़ाइन करते हैं हमें डिज़ाइन करवाना है तो मुझे लगा कि यार ये एप्लीकेशनस पे ये किस तरह के कमेंट है क्या ये बॉट्स हैं क्या ये कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है या, या सच में इंसान है मैं मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि सर मैं ऐसे करता हूँ मैं ऐसे डिज़ाइन बनाता हूँ मेरे ये चार्जेस हैं तो बाई लक मुझे एक छोटा सा जॉब भी मिल गया मतलब मुझे एक छोटे डिज़ाइन चार्ज डिज़ाइन के लिए एक प्रोजेक्ट मिल गया मैंने डिज़ाइन वो किया सक्सेसफुली मैंने उन्हें हैंड कर दिया और मुझे पैसे मिलने लगे तो मुझे लगा यार ये तो एक एप्लीकेशन है जो पैसे भी प्रोवाइड करा सकती है सो so, मैंने सोचा कि क्यों क्यों ना इसे यूटिलाइज़ करते हैं जब तक तो मुझे जॉब नहीं लगती सो so, मैंने वहाँ पे अब एक काम करना शुरू कर दिया मैंने सोचा कि डेली उठ के सुबह कुछ एक डिज़ाइन बनाऊँगा वहाँ अपलोड करूँगा और वहाँ से रिव्यूज़ लूँगा तो मैं उस एप्लीकेशन पे एक तरफ जॉब भी सर्च करता था दूसरी तरफ अपलोड भी किया करता था अपलोड करने के बाद से वहाँ लोग कमेंट करते थे कि ये बहुत अच्छा है ये खराब है इसमें ये चेंजेस है इसमें वो चेंजेस है मैं उसे चेंज करके वापस भेजता था मैंने उसे सेल करना स्टार्ट कर दिया था बहुत सारे लोग मुझे डिमांड करने लगे कि सर आप मेरे लिए डिज़ाइन कर दो आप फ्रीलांसर हो आप डिज़ाइन करते हो आप मेरे नौकरी में जॉब में आ सकते हो क्या तो मुझे लगा ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये एप्लीकेशन जॉब के साथ में नौकरी के साथ में आपको फ्रीलैंसिंग भी डिज़ाइन प्रोवाइड करा रही है सो so, मैंने सोचा चलो इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म खोल दिया अपने कंपनी बनाई मैंने सोचा कि चलो एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम मैंने डिवाइन डिज़ाइंस रखा और मैंने डिवाइन डिज़ाइंस के साथ में स्टार्ट किया एक कंपनी छोटी सी स्टार्ट की मैंने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक सब बना दिए और अब मैं क्या करता था मैं सुबह उठ के एक डिज़ाइन बनाता था खुद की वहाँ अपलोड करता था और इंतजार करता था रिव्यू की वहाँ रिव्यूज़ आते थे लोग कमेंट करते थे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे और उस डिज़ाइंस को मैं अपने फिर सोशल हैंडल पर डालता था वहाँ से करते करते धीरे 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 धीरे, धीरे, धीरे जर्नी स्टार्ट होती गई और वहाँ से मुझे इंक्वायरीज आने लगी सो so, आप समझिए कि नेटवर्किंग कैसे काम कर रही थी अब मेरे इस पास मुझे कहीं जाना भी नहीं था नौकरी मिल नहीं रही थी लेकिन पैसे मिलने स्टार्ट हो गए थे अब मैं अपना पे भी अर्न करने लगा था क्योंकि वहाँ से भी क्लाइंट्स मिल रहे थे और सोशल मीडिया से भी काम मिलने लगे थे तो इस तरह करते करते मुझे एक काफ़ी कॉन्फिडेंसली uh, मुझे एक काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफर आया उन्होंने कहा कि हमारे पास आप काम करिए तो काफ़ी एक अच्छा एक ऑफर उन्होंने लेके आया कि आप हमारे लिए पूरे सोशल मीडिया ब्रांडिंग पैकेजिंग का आप काम करिए सो so, इस हिसाब से मैंने वहाँ काम किया और उनके यहाँ काम उनका प्रोजेक्ट मैंने हैंडल, हैंडल कर लिया वहाँ से काम करते करते वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा उनका प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे काफ़ी जगह रेफ़र किया यहाँ पर देखिए आप रेफरल का पावर उन्होंने मुझे इतने जगह रेफ़र किया और मुझे उस रेफरल से मतलब आप समझ लीजिए कि उन्होंने सिर्फ पाँच जगह रेफ़र किया और मुझे पचास जगह से लिंक्स मिल गए क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द रेफरल पावर उन्होंने मुझे एक जगह रेफ़र किया और हर एक आदमी सेटिस्फाई होकर मुझे अलग जगह रेफ़र करते गया सो so, ये बॉन्डिंग ऐसे ही बनती गई बनती गई कि मैंने सिर्फ छः महीने में ही अपनी एक स्टेबिलिटी बना ली थी कहाँ एक लड़का नौकरी खोज रहा था सिर्फ तीन महीने मुझे लगे और मैं इतना स्टेबल हो गया था कि मैं सोच चुका था कि अब मुझे किसी यहाँ काम नहीं करना है अब मैं अपनी कंपनी को रन करूँगा धीरे 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 मैं जब मेरी कंडीशन पूरे अच्छे हो गए तीन महीने के अंदर मैंने इतने अच्छी अपनी वेल्थ अर्न कर ली थी मैंने तो मैं अब उस कंपनी जिस अपना ऐप पे जॉब लेने गया था वहाँ इन्फ्लुएंसर भी बन गया सिर्फ तीन महीने के अंदर और मैं उस तीन महीने के बाद मैं खुद जॉब देने लग गया था सो so, और उन लोगों को मैं जॉब देता था जो कि मेरे जैसे थे जो कि मेरे तीन महीने पहले जहाँ पे मैं खड़ा था हमारे टीम में आज पाँच लोग काम करते हैं सो so, वो कंपनी जो कि सिर्फ पाँच लोगों की मदद से चल रही थी सिर्फ कुछ महीनों में अपना टर्न ओवर लाख के पार कर दी सो so, इन स्टोरीज से निकल अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको सोचना चाहिए कि आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना हो जैसे कि आपको एक सही मेंटरशिप मिले आप एक सही गाइडेंस में हो क्योंकि अगर आपको जो सही गाइडेंस मिलती है तो वो आपको एक अच्छा मार्ग दिखाती है आप काफ़ी अच्छे तरीके से और सीधे तरीके से एक सही दिशा की ओर बढ़ते हैं दूसरी आपको अपस्किलिंग्स आनी चाहिए यानी कि आप अपने आप को अपग्रेड करो आज के टाइम पे तो लोग मोबाइल भी अपग्रेड कर लेते हैं तो लोग को अपने उस हिसाब से आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि जितना आप अपग्रेड करोगे ना आपके टैलेंट के साथ साथ आपकी पैसे से लेके आपकी हर चीज़ें अपग्रेड होती हैं सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरी नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चेन बनाओ या कुछ भी बनाओ आपको ये दिखाना होता है कि आप कैसे आप किस चीज़ के कैपेबल हो आप कैसे अपनी आप कैसे रेफर करते हो आप कैसे बॉन्डिंग बनाते हो लोगों के बीच में आप कैसे जेल हो पाते हो सो so, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जिस हिसाब से अपने चेन को बनाते जाओगे वो चेन और बड़ी होती जाएगी और बड़े होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास काफ़ी एक अच्छी पकड़ है और एक काफ़ी अच्छी पावर है और चौथी चीज़ है आपकी ब्रांड वैल्यू ब्रांड वैल्यू मतलब आपकी एक पहचान होती है आप क्या काम करते हो वो आपका ब्रांड होता है और उसकी वैल्यूज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे कितना ऊपर ले जाते हो सो ब्रांड वैल्यू लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने अपने लाइफ में ब्रांड वैल्यू पहचानी मैंने कैसे चार हज़ार रुपये से स्टार्टिंग की वहाँ पे मैंने सौ सौ रुपये से भी काम स्टार्ट किया और अपनी एक पहचान बनाई मैंने अपने ऐप अप से ही समझ लिया क्योंकि अपने ऐप अप पर मुझे वहाँ पर ब्रांड वैल्यू की पहचान होने लगी थी मैंने वहाँ से अपने ब्रांड को एक पहचान दी उसे आइडेंटिटी दी और वहाँ से मैंने एक अपने ब्रांड को इतना सक्सेस बनाया So, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इन सब के ऊपर आती है वो है सेल्फ डेडिकेशन और मेहनत मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू सो मच अभी आपने कहानी सुनी अपने ही जैसे एक इंसान की जिन्होंने सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया देखिए सच तो ये है कि आज की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है चाहिए तो सिर्फ जज्बा कुछ कर दिखाने का आज ऐसे ही एक टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है अपना ऐप। भारत का सबसे बेहतरीन करियर एंड जॉब सर्च ऐप ज्योति और शिवम जैसे पैंसठ लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को फ्री में यूज करके अपने करियर को बनाया है तो आप भी इसका फायदा क्यों ना उठाएं अपना ऐप पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लाखों जॉब्स के लिए बिना कोई फीस या बिना कोई पेमेंट करे डायरेक्टली कंपनी से बात करी और अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया इस ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शंस के जरिए अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं अपने काम के बारे में अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और अपने ही फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की मदद भी मांग सकते हैं और तो और अपने वर्क एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों और डाउट्स का जवाब आपको अपना ऐप आप पर मिल जाएगा वो भी आपके ही फील्ड में काम करने वाले सीनियर प्रोफेशनल्स से तो अब देर किस बात की नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करें अपना ऐप और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार हो जाए एक चीज जरूर याद रखना ये ऐप अभी मुंबई दिल्ली अहमदाबाद जयपुर पुणे रांची और बेंगलुरु में ही उपलब्ध है जल्दी यह बाकी शहरों में भी आपको मिल जाएगा